रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सांसें रोक देने वाले बेहद रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को सोमवार को सुपर ओवर में हराकर आईपीएल 13 में अपनी दूसरी जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में सातवें से तीसरे स्थान पर पहुंच गई। बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने सुपर ओवर में विजयी रन बनाया। विराट कोहली की आरसीबी ने तरफ से ओपनर देवदत्त पट्टिकल, उनके साथी बल्लेबाज एरन फिंच और एबी डिविलियर्स के शानदार अर्धशतकों और शिवम दुबे की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 201 रन बनाए, जबकि मुंबई ने ईशान किशन के 99 और कायरन पोलार्ड के नाबाद 60 रनों की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बना लिए। स्कोर टाई हो गया और मैच फैसले के लिए सुपर ओवर में चला गया। यह आईपीएल 13 का दूसरा सुपर ओवर था। इस हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने वो कारण बताया है कि क्यों उन्होंने 99 रन बनाने के बाद भी ईशान किशन को सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए नहीं बुलाया। मैच के बाद रोहित ने अपनी इस हार पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि क्रिकेट का शानदार खेल था। जब हमने बल्लेबाजी की शुरुआत की थी तब हम बिल्कुल भी नहीं खेले थे, लेकिन तब भी पता था कि हमारे पास जो बल्लेबाजी पावर है उससे हम 200 का पीछा कर सकते हैं। पोलार्ड जब तक है तब तक कुछ भी हो सकता है। ईशान भी बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहा था। हमने ईशान को सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ईशान किशन बहुत थका हुआ था। हमने सोचा कि हम उसे भेज सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि 7 रनों के लिए आपको अपनी तरफ से भाग्य की ज़रूरत है। हमें सुपर ओवर में विकेट हासिल करने थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक चौका चला गया। इस मैच में हमारे लिए काफ़ी सकारात्मकताएँ निकल कर सामने आई हैं। वही 201 के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही और उसने 7वें ओवर तक 39 रन तक तीन विकेट गंवा दिए। कप्तान रोहित शर्मा दूसरे ओवर में ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर का शिकार बन गए। रोहित ने 8 गेंदों में 1 छक्के की मदद से 8 रन बनाए। वहीं रोहित का विकेट 14 के स्कोर पर गिरा। इसके 2 रन बाद ही सूर्यकुमार यादव भी सुरू उडाना के हाथों आउट हो गए। हालांकि ये मैच काफी शानदार था। ईशान किशन की मेहनत रंग ले आती अगर मुंबई इंडियंस के बाकी बल्लेबाज उन्हें सपोर्ट करते। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।